यह यूनिवर्स आप जो भी सोचते हो उस पर हर समय काम करता है, फिर चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको हमेशा उसी तरह के रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप पॉजिटिव एफर्मेशन में सोचते हैं, वह विचार आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका हर एक विचार बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए अपने कीमती विचारों को उन चीज़ों पर ना लगाएं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस होता है, जिनसे आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपका हर एक पॉजिटिव विचार आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाता है, और आपका हर एक नेगेटिव विचार उन चीज़ों को आपसे दूर धकेलता है। आपके बहुत से नेगेटिव विचार पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब है और आप खुद से कहते हैं मैं बहुत बीमार नहीं होना चाहता, यह आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए आप अपने आप से क्या चाहते हैं। मैं अपनी अच्छी हेल्थ को स्वीकार करता हूँ। जब आप इस तरह से एफर्मेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप बोलते मैं इस कार से नफरत करता हूँ तो आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी कार नहीं पा सकते, और अगर आपने उसे पा भी लिया तो आप थोड़े समय के बाद ही उससे फिर से नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि आप उसे लेकर क्लियर नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में नई कार चाहते हैं तो अपने आप से कहिए मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है जो मेरी सभी ज़रूरतों के हिसाब से है। लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी से निराश रहते हैं जो खुद से बोलते मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। आपकी यह एफर्मेशन आपको अपने लिए और ज़्यादा बुरा महसूस कराती है, और जब आप हर समय बुरा महसूस करते हैं, बहुत ही ख़राब महसूस करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। अपने आप को लेकर कोई लिमिट मत बनाइए। आर्ग्यूमेंट्स बहस करने में समय बर्बाद ना करें। अपने ख़राब रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, जितना ज़्यादा आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं आप उन्हें उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए दूसरे लोगों को दोष ना दें। ऐसा करने से सिर्फ आपकी समय की बर्बादी है। यह सभी आपके साथ लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। जब आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, और आप उन बदलावों को देखकर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आप एकदम हैरान हो जाएंगे यह सब आपके साथ कैसे हो रहा है। जब आप किसी पर दोष लगाते हैं वह आपके लिए एक नेगेटिव एफर्मेशन है। आपको इन चीज़ों पर अपने कीमती विचार बर्बाद नहीं करने चाहिए। इसके बजाय जो आप खुद से नेगेटिव एफर्मेशन बोलते हैं आपको उन्हें बदलना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ कहने के बजाय आप खुद से बोले मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं इसकी खुशी जाहिर करता हूँ। मेरे पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसके बजाय आप बोले मेरे पास पैसा अबंडेंस में है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इसके बजाय आप बोले हर कोई मुझसे प्यार करता है। जब आप खुद से इस तरह की एफर्मेशन बोलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की खराब से खराब सिचुएशन को ज़बरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब आपको महसूस होगा, आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी सोच कितनी नेगेटिव रही है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आए उस समय आप अपने आप से बोलिए यह मेरे पुराने विचार हैं और अब मैं इन्हें नहीं चुनता। इस तरह से सोचने के लिए जितना जल्दी हो सके किसी पॉजिटिव विचार को चुनिए। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। जो भी विचार आपको बुरा महसूस कराते हैं, आपको अंदर से नेगेटिव करते हैं, यह आपकी एक बहुत ही ख़राब आदत है जिसके लिए आपको एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। एफर्मेशन की मदद से आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। जब भी आपके साथ कोई चीज़ गलत हो बार बार खुद से दोहराएं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। यह एक आसान सी एफर्मेशन है जो आपकी ज़िंदगी को किसी जादू की तरह बदल सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अपनी एफर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। जिन रिजल्ट को आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं जब तक आप उन्हें पा ना लें तब तक अपनी सोच को अपने तक ही रखना अच्छा है। जब आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी के बदलाव को देखकर हैरान हो और आपको जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी जब आपको वह मिल जाए तब आप इन सब बातों को उन्हें बता सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। आप अपनी सोच को बदलें। आप उन विचारों को सोचने का विकल्प चुनें जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, जिनसे आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज़ करें, यह एक चीज़ आपको बहुत ऊपर उठा सकती है। नीचे कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।